हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा सो दिस क्लास फॉर अकाउंटेंसी एमसीक्यूज एंड एज ऑलरेडी टोल्ड जो पुराने बच्चे उनको तो पता है कि पीडीएफ फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइंटी नाइन रुपीज है एम सी क्यू कोर्सेज हमने अकाउंट्स गैप जो है बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए आपके एमसीक्यू कोर्सेज बनाए हैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे तो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बिफोर समराइजिंग द फाइनल अकाउंट्स इनमें से किस स्टेटमेंट को फॉर्म किया जाता है फाइनल अकाउंट्स के समराइजेशन से पहले ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी बैलेंस शीट सी ट्रायल बैलेंस एंड डी नन ऑफ दी तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले ये एक समराइजेशन uh, यहां पर की जाती है थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा द राइट आंसर गाइज इन दिस केस इज ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस ट्रायल ट्रायल बैलेंस जो है वो फॉर्म uh, किया जाता है अब अगर आपने लेक्चर टू ऑलरेडी देख लिया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे अकाउंट्स के एमसीक्यू के मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं ना स्पेसिफिकली वो वाले लेक्चर्स को डू वॉच देम इन सीक्वेंस ठीक है वो आपके लिए बेटर एक ऑप्शन uh, रहेगा अब स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस हमने कवर uh, अप किया था पिछले लेक्चर के अंदर उसमें मैंने आपको दो स्टेजेस ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ रिकॉर्डिंग की और क्लासिफाइंग की रिकॉर्डिंग के अंदर हमने देखा था कि हम जर्नल के अंदर एंट्री डाल रहे थे और क्लासिफिकेशन के अंदर हम लेजर फॉर्मेशन में जा रहे थे ठीक है ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है समराइजिंग जिसके अंदर फॉर्म फॉर्मेशन होती है ट्रायल बैलेंस की ठीक है ट्रायल बैलेंस के ऊपर 2020 के अंदर दो क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के ऊपर पूछे हुए थे अभी अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्वेंटी ट्वेंटी का वीडियो आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सो बेसिकली समराइजिंग द ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है अब स्टेप वन में तो हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज डाल दिए थे और स्टेप टू के अंदर हमने लेजर फॉर्मेशन किए थे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स फॉर्म हो रहे थे सो विद इन अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बहुत सारे अकाउंट्स uh, जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं सो so, uh, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को बार बार निकालना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट इज़ वाई उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है या जो ट्रांजेक्शन हैं उनको समराइज किया जाए ओके सो दैट इट बिकम्स वेरी ईजी चाहे वो इंटरनल पर्पस के लिए है या एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है उसको सिंप्लीफाई करना एंड बिकॉज बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स भी बनाने हैं जिनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट जो सरकार बोलती है तो उसके लिए भी ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा समराइजेशन ओके okay? सो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले इसीलिए हम ये समराइजेशन करते हैं और इस समराइजेशन की स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस इससे क्या होता है एक तो आपके जो लेजर्स हैं वो उसका एक्यूरेसी चेक हो जाएगा कि आपने अर्थेमेटिकली सब कुछ एक्यूरेटली पोस्ट किया है जो आपने एंट्रीज डाली हैं वो ठीक से डाली हैं या नहीं डाली हैं क्योंकि अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होगी आपके जो जितने अकाउंट्स फॉर्म किए हैं हैं लेजर फॉर्म किए उससे क्या होगा ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो मैच नहीं करेगा और ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करना चाहिए अगर आपके अकाउंट्स में सब कुछ सही है तो ओके okay? सो so, अगर ट्रायल बैलेंस टेली कर गया तो मोर और लेस इसका क्या मतलब है कि ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया है और ठीक से लेजर के अंदर पोस्ट किया गया है ओके okay? सो so, एक तो आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है दूसरा एक सिंप्लीफाइंग प्रोसेस हो गया कि आपको सारे अकाउंट्स को लेजर्स को बार बार खोलकर नहीं देखना पड़ेगा जब आप फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो समराइजेशन के टाइम पर आप क्या फॉर्म करते हो ट्रायल बैलेंस फॉर्म करते हो उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आ जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस का ठीक है रिकॉर्डिंग हो गया क्लासिफाइंग हो गया समराइजिंग हो गया एंड देन आएगा इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट सो इंटरप्रेटिंग द द इज फाइनल प्रोसेस एंड इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है uh, जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसके थ्रू आप एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन कर रहे हो बेसिकली इसके अंदर आप क्या करोगे आपके पास सब कुछ आ चुका है अब आपके हर तरह का अकाउंट फॉर्म हो चुका है पी एंड एल फॉर्म हो चुका है बैलेंस शीट फॉर्म हो चुकी है आपके सामने है आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है क्या एसेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज हैं सब पता है आपको तो इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करोगे बहुत सारी अकाउंटिंग रेशियोज होती है ना आपने सुना होगा करंट एसेट रेशियो जैसे फॉर एग्जांपल करंट एसेट रेशियो एक रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो तो वो रेशियोज आप कैलकुलेट करते हो उससे क्या होता है उससे एक आइडिया लगता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है वो सॉल्वेंट है या नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कैसी है ओके सो बेसिकली बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट के अंदर जो आपके वेरियस फिगर्स uh, आ रहे हैं ना उसके बेसिस पे आप एक तो ये अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करोगे एंड देन ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो अगले साल की बुक्स प्रिपेयर करोगे ना वो पिछले साल की बैलेंस शीट के ऊपर ही तो प्रिपेयर करोगे क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट आपको एक आइडिया देगी कि हां मेरे पास ये एसेट्स हैं और मेरी ये लाइबिलिटीज ओके एंड okay? जब फिर आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो अगेन अकाउंटिंग प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा वही रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट्स तो ये चार स्टेप्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंडर आते हैं पूरे का पूरा अकाउंट इन्हीं चार स्टेप्स के ऊपर जो है वो टिका हुआ है ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इनमें से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक करेक्ट एक्सप्रेशन है ऑप्शन ए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल लाइबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑप्शन सी लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ठीक है बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है समझ रहे बैलेंस शीट की जो बैलेंसिंग होती है उसके ऊपर ये बेस्ड है आंसर पर आपका होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ ये सारी की सारी की स्टेटमेंट्स जो है, वो करेक्ट होंगी ओके okay, नाउ देखो जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की बुक ऑफ अकाउंट्स में वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड होती है कोई भी ट्रांजेक्शन है ना उसका डबल इफेक्ट होता है अकाउंट्स के अंदर हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है ओके okay, कोई भी uh, प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें उसके ऊपर भी डबल इफेक्ट होगा नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली है क्या? इट अ फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग इक्विवेलेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी की किसी भी एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी पे क्या है ओके okay? ताकि जो आपका क्लेम्स uh, है यानी कि जो आपकी लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट के अंदर वो हमेशा आपके टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म के साथ मैच करें ये एक अकाउंट्स का रूल है अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी साइड मैच नहीं कर रही ना इसका मतलब आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है ओके okay, सो so देखो सबसे शुरू जब पहले बिजनेस शुरू होता है तो क्या होता है एक ओनर होता है कंपनी का और वो ओनर अपना पैसा लेकर के आता है बिजनेस के अंदर ठीक है उस जो वो पैसा ओनर लेकर के आता है बिजनेस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं ठीक है तो बिजनेस क्या होती है बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है एक रजिस्टर्ड बिजनेस क्या है वो एक सेपरेट एंटिटी है उसकी खुद से एक आइडेंटिटी है तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ओनर ने धंधे को पैसा दे दिया उधार और उस उधारी को हम बोल रहे हैं कैपिटल ठीक है तो ओनर के लिए तो ये इक्विटी है ठीक है ओनर के लिए तो उसने अपना पैसा लगाया लेकिन बिजनेस के लिए क्या है बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है तो जो कैपिटल होती है ना हमेशा जो ओनर कैपिटल लेकर के आ रहा है वो हमेशा किस साइड होगी लाइबिलिटीज़ साइड में आती है बैलेंस शीट के ओके और एक अब इनिशियली जो कैपिटल ओनर लेकर के आ रहा है वो कैश की फॉर्म में आ रहा है एंड वो कैश को आप एसेट ऑफ द फॉर्म भी ट्रीट कर रहे हो तो देखो डबल इफेक्ट आ गया ना अब इसका डबल इफेक्ट देखो कैसे हो गया ओनर पैसा लेकर के आया ठीक है ओनर कैश में पैसा लेकर के आया ओनर ने बिजनेस को वो पैसा दे दिया तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया बिजनेस के लिए तो कर्जा हो गया ना बिजनेस के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गई तो वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा कैपिटल के नाम से फॉर एग्जांपल वो दस हजार रुपए लेकर के आया था कैश तो वो कैपिटल के साथ आ जाएगा दस हजार रुपए अब ये दस हजार रुपए एज अ कैश बिजनेस के पास अवेलेबल है तो यही कैश एज अ एसेट विद द नेम ऑफ कैश एसेट साइड में भी रिफ्लेक्ट होगा तो ये बैलेंसिंग हो गई ना एक ही ट्रांजेक्शन का ड्यूअल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वही हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल रहे, रहेंगे ओके नाउ एट द द सेम टाइम अ विल बी क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ ओनर्स इक्विटी जैसे मैंने यहां पर बताया अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वगैरह क्या होता है वो भी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे लेकिन मोटी मोटी बात बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और एक इंडिविजुअल जो मालिक है वो एक अलग एंटिटी है दोनों अलग अलग है ओके okay? एंड एसेट इज कैश बैलेंस अगेंस्ट लाइबिलिटी क्लियर है तो वही चीज मैंने आपको समझाई है तो अकाउंटिंग इक्वेशन उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है अब ये सारी हमारीट इज इक्वल टू कैपिटल लाइबिलिटीज पीछे देखा ना कि जो एज अ कैपिटल एज अश एज अ कैपिटल एक ओनर लेकर के आ रहा है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन गया लेकिन क्योंकि वो कैश है जो बिजनेस यूज करेगा तो वो बिजनेस का एसेट भी हो गया टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज ठीक है जी अब टोटल लाइबिलिटीज में कैपिटल को अलग से यहां पर रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कैपिटल अब कोई कहेगा कि यार ये तो ओनर का पैसा है तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी थोड़ी है क्योंकि अगर कोई नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का बालक है तो वो तो यही कहेगा ना कि सर ये लाइबिलिटी कैसे हुई ये तो ओनर का खुद का पैसा है तो ये लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं एंड बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं अगर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी को एक अलग एंटिटी कंसीडर किया जाता है ठीक है उसको एक अलग इंसान जैसे एक अलग इंसान होता है ना वैसे उसको एक अलग इंसान कंसीडर किया जाता है कि हाँ भाई एक इंसान ने दूसरे इंसान को पैसे दे दिए तो वो जो कैपिटल है वो बिजनेस की लाइबिलिटी ही रहेगा ठीक है बिजनेस ने अपने मालिक को वो पैसा वापस देना है एक तरीके से ये लगा लो ओके तो टोटल लाइबिलिटी में हमेशा कैपिटल भी आएगी

y है लाइबिलिटी x है एसेट y है मुझे बताना है कैपिटल क्या है अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा कि देखो जी एसेट क्या होता है आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ठीक है एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्योंकि दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए ये दोनों साइड एक साइड पे आती हैं, ये ऑपोजिट साइड पे आती है ठीक है यही बनता है ना तो अगर मेरे को दो चीजें गिवन है ओके okay, अगर मेरी इक्वेशन ये बनती है मैं कैपिटल को एज्यूम कर लेता हूं सी है तो अगर मेरी इक्वेशन ये बनती है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और मेरे को सी निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स को मैं उधर ले जाऊंगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा बात तो यही बनेगी ना क्लियर है सिमिलरली आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो आप इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल भी कर सकते हो तो वाइस वर्षा एक सिचुएशन हो गई है ओके okay? तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई किसी को अगर नहीं समझ में आई है कोई दिक्कत नहीं है व्हाट्सएप करो टेलीग्राम करो कमेंट करके पूछो और अगर समझ आई है तो वो भी बताओ कि सर समझ में आई है ठीक है यहां पर कोशिश क्या है कि बच्चा चाहे अकाउंट्स बैकग्राउंड का हो चाहे नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड का हो उसको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया नहीं समझ में आया तो नहीं हुआ दोबारा करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन को और क्या बोलते हैं ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस इक्वेशन बी जर्नल इक्वेशन सी बैलेंस शीट इक्वेशन डी नन ऑफ दी अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया सो अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या बोला जाता है दोस्तों और अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है क्योंकि ये सारा खेल जो है वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ एज पर विच अमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट ओनर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस ये बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ठीक है जी किस कंसेप्ट के हिसाब से जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस का क्रेडिटर है बिजनेस को उसने उधारी दिया है ऑप्शन ए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सी कॉस्ट कंसे डी एस्पेक्ट डुवेल्ट अब आप इसको इजीली आंसर कर चुके हो मैं समझा चुका हूं आपको तो आंसर क्या होगा यहां पर ऑप्शन ए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि मालिक अलग है धंधा अलग है ठीक है मालिक अलग है और धंधा अलग है सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स ओके बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ओनर का अगर कोई घर है तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है वो ओनर की प्रॉपर्टी है बिजनेस की अगर फैक्ट्री का कोई लैंड है तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी ओके okay? ओनर जो होता है फर्म का जो वो पैसा लेकर के आ रहा है बिजनेस के अंदर वो क्या ट्रीट किया जाएगा एज कैपिटल ठीक है और उस उस कैपिटल के लिए उसको एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा ओनर को अगर जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के फंड में से कोई पर्सनल खर्चा करता है तो वो बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा ठीक है अब फॉर आपको कोई बोल दे कि यार एक एक्स करके ओनर है एक पर्टिकुलर बिजनेस का इसने अपने बिजनेस से दस हजार रुपए निकाले और ये दस हजार रुपए इसने क्यों निकाले इसको फर्नीचर लेकर के आना था तो एज अ अकाउंटेंट मैं पहले तो ये पूछूंगा फर्नीचर कहां के लिए लेके आना था इसने अपने घर के लिए फर्नीचर लेकर के आना था तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे क्या आप इसको जो कंपनी का फर्नीचर अकाउंट है कंपनी का जो फर्नीचर अकाउंट है उसमें रिकॉर्ड करोगे या ड्रॉइंग्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा कि ड्राइंग्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे क्यों ड्राइंग्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे इसको क्यों फर्नीचर में नहीं रिकॉर्ड करोगे क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में आप तब रिकॉर्ड करते अगर आपने वो फर्नीचर जो है वो ऑफिस के लिए लिया होता आपने अपने बिजनेस के लिए लिया होता तो वो फर्नीचर अकाउंट में आ जाता अब बिजनेस के लिए नहीं लिया उसने वो पैसा ठीक है बिजनेस के लिए नहीं लिया उसने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है तो वो ड्राइंग्स के अंदर चला गया उसकी बिजनेस को उससे कुछ लेना देना नहीं है बिजनेस ने तो क्या करना है अब इस ड्राइंग्स का और क्या रिजल्ट होगा फॉर एग्जांपल उसने बिजनेस के अंदर पचास हजार रुपए डाले थे उस बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल कितने डाले थे पचास हजार रुपए डाले थे तो वो क्या था उसकी कैपिटल थी और उस कैपिटल को हम कैसे ट्रीट कर रहे थे एज अ क्रेडिटर ठीक है माने तो ना तो बैलेंस नहीं दिखाऊंगा अब मैं उसका कैपिटल को कम कर दूंगा बैलेंस शीट में अब उसका कैपिटल कितना रह जाएगा बैलेंस शीट में अब उसका कैपिटल माइनस हो जाएगा दस हजार से तो यानी कि उसका अल्टीमेटली कैपिटल सिर्फ चालीस हजार रुपए बचेगा समझ रहे हो ड्रॉइंग्स का ये इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के ऊपर चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर का कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर वन सेल्स पॉलिसी नंबर टू इफेक्टिवनेस ऑफ कंपटीशन नंबर थ्री सैलरी आपको बताना है कि इनमें से किसको आप बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन है वन टू एंड थ्री बी वन एंड टू ओनली सी टू ओनली डी वन ओनली तो किसको आप बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो तो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली ये अगेन अकाउंटिंग का एक और कंसेप्ट आ जाता है अब उसको समझते हैं और ये कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो पहले कंसेप्ट समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर दोबारा लेकर के आऊंगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है थ्योरी देखने से पहले एक बार मोटी मोटी बात समझ लो कि बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करोगे जो नहीं कर सकते तो वो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी सीधी भाषा में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसके बारे में बात करता है ओके, अब के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है ना बिजनेस के अंदर फिजिकल यूनिट्स भी अलग अलग होती हैं कोई कहेगा किलोग्राम में बात करेगा कोई क्विंटल में बात करेगा कोई टन में बात करेगा कोई मीटर में बात करेगा कोई लीटर में बात करेगा अब जब आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो आपने गुड्स बेचे तो आप उसको अकाउंट्स बुक में ऐसे रिकॉर्ड करोगे सोल्ड टेन के जी शुगर ठीक है तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना क्योंकि किस क्वालिटी किस क्वांटिटी में आप उसको करोगे तो इसी वजह से मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले तो अकाउंट्स की बुक्स के अंदर जो भी सेल परचेज या कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की टर्म में आप उसको मेंशन करोगे क्योंकि पैसा एक कॉमन डिनोमिनेशन हो गया ठीक है वो मीनिंगफुल बना देगा ओके okay? सो so, पैसे की टर्म में रिकॉर्ड होगा और जो चीज पैसे की टर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकती उसको आप नहीं लेकर के आओगे ओके okay? अब जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या था सेल्स पॉलिसी अब सेल्स की पॉलिसी जो है उसको इट इट इज इज नॉट उट वट सेल्स को इंप्रूव किया जा सकता है उससे रिलेटेड पॉलिसी होगी तो उसको आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना ठीक है बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको मनी की टर्म्स में कैसे मेजर करोगे कॉम्पिटिटिव कितने हो आप आपके कंपटीशन की इफेक्टिवनेस को आप मनी की टर्म्स में कैसे मेजर करोगे तो इसीलिए वो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे और वही सैलरीज जो है आपको पता है आप मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो कि यहाँ भी मेरे को महीने के इतना लाख रुपया इतना रोकड़ा मेरे को सैलरी देना है, है ना तो अल्टीमेटली वो आ सकता है उसके केस में है ना तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मोटी मोटी क्या बात बोल देता है कि जी जो मनी में मेजर हो सकता है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा नॉन मॉनेटरी जैसे लेबर मैनेजमेंट रिलेशन सेल्स पॉलिसी लेबर अनरेस्ट इफेक्टिवनेस कॉम्पिटिशन ठीक है डेडिकेटेड एंड ट्रस्टेड इंप्लॉइज जो अगेन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है लेकिन आप इसको मनी में नहीं मेजर कर सकते तो अकाउंट्स के लिए इसका कुछ लेना देना नहीं है अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की एक लिमिटेशन और है एक तो ये लिमिटेशन हो गई कि ये सब चीजें नहीं वो रिकॉर्ड करता दूसरी लिमिटेशन क्या है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या करता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो कॉन्स्टेंट है तो ये ट्रू नहीं होता वैल्यू ऑफ मनी तो चेंज करती रहती है ना ओवर टाइम आज पैसे की कीमत कुछ और है कल पैसे की कीमत कुछ और होगी जिसको आप लोग इन्फ्लेशन बोलते हो क्या बोलते हो इन्फ्लेशन बोलते हो ना कि भाई आज दस रुपए में रिनॉल्ड का एक पेन आ रहा है कल क्या कोई पेन बीस रुपए का है ओके बट अकाउंट्स में क्या होता है अगर आपने स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया आपने अकाउंट्स में स्टॉक की वैल्यू डाल दी ठीक है आपने सौ रुपये वैल्यू डाल दी हो सकता है कि वो कल को उसकी स्टॉक की वैल्यू दो सौ रुपए हो गई हो या पचास रुपए रह गई हो लेकिन अकाउंट्स बुक में वो एक बार सौ रुपए रिकॉर्ड हो गया तो वो सौ रुपए ही रहेगा है ना तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एक ये लिमिटेशन है एंड विद दिस वी आर डन विद द फाइव क्वेश्चन अच्छा लगा हो अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर जरूर करना है ठीक है आप सब चाहते हो कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा है सो तो एक मीनिंगफुल एनकरेजमेंट मेरे लिए भी आपको इसको बनाना होगा थोड़ा सा ओके आई एम नॉट डिमांडिंग टू मच मनी या मैं कुछ ऐसा नहीं मांग रहा हूँ ये नाइन्टी नाइन रुपीज़ भी पी के आपसे सिर्फ इसीलिए मांग रहा हूँ ताकि एक सीरियसनेस इनकरेज हो क्योंकि मैं पहली बातों में मैं पी देने में बिलीव ही नहीं करता है क्योंकि पी मेरा मानना है कि बच्चे को निकम्मा बना देती हैं ठीक है थीके? और ये जो फ्री पी होती हैं ये सुपर निकम्मा बना देती हैं तो मैं नहीं चाहता कि सुपर निकम में आप बनो जब आप एक सौ रुपए दो तो आपको एक ना ओनरशिप आती है कि हाँ यार ये पी मैंने खरीदी है ठीक है आप उसको सीरियसली पढ़ोगे फ्री में तो इधर उधर ऑन इंटरनेट पे सब कुछ बिखरा हुआ है वो डाउनलोड कर करके अपने कंप्यूटर के अंदर रखते रहते हो वो इतना कचरा जमा हो जाता है पेपर के टाइम पे यही नहीं पता चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ओके सो so, ठीक है गाइस विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन टेक केयर एंड बाय